Şazia. उदास हो? क्या मुझे उदास नहीं होना चाहिए? नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर दियार गैर जा रहा है, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मेरी जिंदगी आपके साथ अच्छी है नादिर, और मैं दिलावर को अकेले कैसे संभालूंगी? शाजिया, तुम अकेली नहीं हो, आई तुम्हारे पास है, और वो तुम्हारी लेडी हेल्थ वर्कर दोस्त तुम्हारे पास है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हो। पता है तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। जब तक लड़कर जबरदस्ती में तुम्हें खाना ना खिलाऊं, तुम खाना नहीं खाते। यही बात है ना? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है शाजिया। शाजिया देखो, मेरे बात अपना, अपने खाने का, अपनी सेहत का तुमने बहुत ख्याल रखना है। तुम सेहतमंद होगी तो हमारा मुन्ना सेहतमंद होगा, समझी? यहां देखो, इस तरह मुझे खुदाफिस करो, ऐसे वहां मेरा दिल कैसे लगेगा? कुछ अच्छे से खुदाफिस करो। वैसे तुम हंसती बहुत अच्छी लगती हो ऐसे। चलो अपना ख्याल रखना। आई आई, मैं चलता हूँ। आई बच्चा, पहुंच कर फोन जरूर करना। जरूर आई, मैं पहुंचते ही फोन कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र नहीं करूं, तुम ही तो मेरी जिंदगी की उम्मीद हो। नहीं आई, अब आपका पोता हमारी जिंदगी की उम्मीद है। बस वो आपसे गुजारिश कर रही थी। बोलो बच्चा। मेरे जाने के बाद बच्चे का, खासकर शाजिया का बहुत ख्याल रखना। आपको पता है अपने खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है। तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। इजाजत। अल्लाह की उस उमंग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाजिया, तुमने रोटी खा लिया? अभी खा लूंगी आई। कमाल करती हूँ, खा लेना जरूर। मैं थोड़ा आराम करूँ? जी जी, आप लेट जाओ, मैं काम खत्म करके खा लूंगी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है लड़की? वालेकुम सलाम, बस कुछ नहीं। अगर तुम्हारी कुछ नहीं का मतलब सिर्फ काम है
तो फिर वाह भाई वाह। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। नादिर भाई चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सेहत से बिल्कुल बेगानी हो जाओ। अब ये क्या लेकर आई हो? सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट के साथ। ये तो बहुत देर से हजम होगा। जी, तुम्हें तुम्हारी जैसी जवां माओं को सूजी का इस्तेमाल रखना चाहिए, इससे बच्चे को अच्छी फीड मिलती है। अच्छा, अंदर रख दे, मैं खा दूंगी बाद में। ठीक है, पिछली मर्तबा की तरह भूल मत जाना, याद से खा लेना। अच्छा बाबा, खा लूंगी। अच्छा ये बताओ, दिलावर कैसा है? अब तो रात को सोने लगा होगा। कहाँ सोता है, सारी रात जगाता है मुझे। और दिन को? दिन में सो जाता है तो फिर मैं घर के काम कर लेती हूँ। रहम करो शाजिया, खुद पर और अपने बच्चे पर। इस तरह तो ना तुम सेहतमंद रहोगे और ना तुम्हारा बच्चा। अभी ये बहुत छोटा है शाजिया, इसको तुम्हारी जरूरत है। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी खाला से कि किस तरह जच्चा और बच्चा की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है? अच्छा अंदर चल के बैठ, मैं काम खत्म करके आती हूँ। बोश 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 बच्चे, बोश 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 बोश। क्या हो गया दिलावर को? क्या हो गया दिलावर को? ये इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं, आई समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया इसको। इसका पेट में तो दर्द नहीं है? हमको दो। कैसा माए, तुमको ये भी मालूम नहीं है बच्चा क्यों रो रहा है? हमारे ख्याल में ये भूखा होगा, इसका पेट खाली है जो इतना रो रहा है। लेकिन आई, मैं तो इसको अपना दूध पिलाती रहती हूँ। तुम खुद कुछ नहीं खाती हो, जब माँ खुराक नहीं करे दूध किधर से बनेगा, बच्चे का पेट कैसे भरेगा? तुम इसको पकड़ो, मैं कुछ करती हूँ। शाजिया, ये दूध इसको पिलाओ। आई, आप इसको फीडर पिला रही हो? तो क्या करे, बच्चा भूखा है, बच्चे का पेट भरेगा, सारा रात खुद भी सोएगा, तुमको भी सोने देगा ना। ले उसको दूध पिलाओ, पिलाओ पिलाओ। देखो कैसे चुप हो गया। तुम इसको दूध पिलाओ आराम से, ये सोएगा। बस इसको दूध पिलाओ आराम से, खुद भी फिर सोना, इसको भी सुलाना। आई, आई, क्या हो गया? ये दिलावर को तो देखो। दिखाओ हमको, क्या हो गया इसको? सुबह से उल्टी मोशन कर रहा है, देखो क्या हालत हो गया इसका। या अल्लाह, खैर इसको तुमने क्या पिला दिया? मैंने तो फीडर पिलाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया? सब खैरियत तो है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप लोग? अभी पता एक दिलावर को क्या हो गया, निढाल हो गया मेरा बच्चा। क्यों, इसको तो तुम अपना दूध पिलाती हो ना? आई के कहने पर मैं इसको फीडर पिला रही थी। खाला, ये आपने क्या किया? क्या आप नहीं जानती बच्चे को माँ का दूध पिलाना कितना जरूरी होता है? ये लो, एक तो नेकी करो, ऊपर से बातें सुनो। हमको जो ठीक लगा हमने किया, हमने बोला इसको दूध पिलाएगा, इसका माँ को आराम मिलेगा, काम कर रही है बेचारी, इसका पेट भी भरा रहेगा, चुप करेगा, नहीं रोएगा। खाला, शाजिया काम क्यों कर रही है? तो क्या तुम आके उसकी जगह पे काम करेगा? हाँ क्यों नहीं करूंगी मैं। वैसे भी दो लोगों के कितने काम होते हैं खाला, शाजिया को भी आराम की जरूरत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम सबको। शाजिया माँ बन गई है तो ये अब इसकी जिम्मेदारी और फर्ज नहीं कि वो घर को भी संभाले और बच्चे को भी। अच्छा, अभी तुम हमको बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? खाला, बच्चे की हालत तो आप देखें, और आप जानती है कि फीडर पिलाने की वजह से गैर हुई है। लाओ इसे मुझे दो, मैं देखती हूँ उसे। तुमने इसकी फीडर का सफाई ख्याल तो रखा था ना? हाँ, मैं फीडर को दो धो के इसको पिलाती हूँ।
सिरदर्द को सिर्फ रोना नहीं होता, उसको बॉयल करना पड़ता है, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है। अब चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। जरूरत नहीं है इसको डॉक्टर के पास ले जाने का, इसका इलाज घर में भी हो सकता है। खाला, अगर आप इसका इलाज घर में करवाना चाहती हैं, तो सबसे पहले फीडर छुड़वाएं, बच्चे को माँ का दूध ही पिलवाएं, और साथ में दोनों की सेहत का ख्याल भी रखें। अरे बाप, तिलावर ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। अगर ये शाम तक ठीक नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। हाँ ठीक है। तुम बच्चे को अंदर ले जाओ, सौंफ वाला पानी पिलाओ। ये लो रोटी का। आप क्यों लेकर आई? मैं खा लेती बाद में खुद ही। तुमको पता है दिलावर को सुलाते सुलाते तुम खुद भी ऐसी भूखी सो जाती। अभी तबीयत कैसा दिलावर का? अभी बेहतर है आई। अल्लाह का शुक्र है कि अभी दिलावर ठीक हो गया। रोटी जरूर खाना। हाँ। शाबाश, ऐसे जब तक जबरदस्ती ना करो तो बिल्कुल खाना नहीं खाते। ऐसे मैं खुद खा लूंगी ना। मैं हूं ना तुम्हारे मसले उठाने के लिए। जब तक मैं हूं मैं क्या? आप मेरी आदतें खराब कर रहे हैं भाई। देखो जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम्हें तुम्हारी खिदमत करता हूं। देखो शाजिया, अब तुम्हें अपने से ज़्यादा अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। एक बात अपने जहन में रखो कि अब तुम अकेली नहीं, तुम्हारे अंदर एक और जान भी परवरिश पा रही है। शाबाश, और बहुत ही लजीज किस्म में चावल है, क्या ख्याल है? आप भी खाओ। मैं भी खाऊँ? वाकई मज़े के। पानी दूँ? और मेरे जाने के बाद अपना बहुत ख्याल रखना। क्या कह रहे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये सुबह सुबह तुम किधर से नमूदार हुआ? मशरिक से खाला। मशरिक से आओ या मगरिब से आओ, बात तो एक है। दिलावर कैसा है अब? पहले से अच्छा है, शुक्र है। खाला शाजिया का है? शाजिया बुर्ची खाने में। मैं देखती हूँ। कैसी है शाजिया? अरे तुम कहाँ से आ गई? ये कैसा सवाल है, ना सलाम ना दुआ। लगता है मेरा आना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्यों बोल रही है? तू तो मेरा सहारा है। मतलब? मतलब ये कि अगर हमारे इलाके में लेडी हेल्थ वर्कर नहीं होती तो सोचो यहाँ की औरतों का क्या होता। लो जी, दोस्ती गई साइड पे, लेडी हेल्थ वर्कर होना काम आ गया। अच्छा ना, मजाक कर रही हूँ। तू सबसे पहले मेरी दोस्त है और बाद में कुछ और है। खैर तो है, आज तुम्हारा मूड बदला है। आज मुझे देखने कुछ लोग आ रहे हैं, दुआ कीजिएगा सब सेट हो जाए। अल्लाह तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे, कैसा बेशर्मी का जमाना आया है कि लड़कियां खुद अपनी शादी का बात कर रहा है। एक हम लोगों का जमाना था, बड़े जब शादी की बात करते तो हम लोग जमीन में डूब जाते। वो जमाना और था खाला, ये जमाना और है,
और जो जमाने के साथ रहता है वही कामयाब रहता है। अच्छा अच्छा, तुम जानो तुम्हारा जमाना, हमको हमारा काम करने दो। चल आ जा कमरे में। अच्छा बता, कौन आ रहा है? तुम भी रोटी खाओ। शाजिया, ओ शाजिया किधर हो, जल्दी आओ। शाजिया, ओ शाजिया, शाजिया जल्दी आओ। क्या हुआ आई? क्या हुआ? ये देखो रोटी फंस गया इसके गले में। आई, क्या हालत हो गया इसका, मेरा बच्चा? हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। शुक्रिया बहन। अरीबा, 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 क्या हुआ शाजिया, क्या हुआ? जल्दी से मेरे साथ घर चल, पता नहीं दिलावर को क्या हो गया है। क्या हो गया दिलावर को? चल मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरीबा, अगर आपका रिश्ता, अम्मी इस वक्त मेरे रिश्ते से ज्यादा जरूरी इस बच्चे की जान है, और मेरा पेशा मुझे हरगिज किसी इंसान को तकलीफ या बीमारी में देखकर इसकी मदद करने का सिखाता है। प्लीज अम्मी मुझे जाने दे, प्लीज। चलो अरे बेन, आप क्यों उठ गई हैं? मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी शादी करना चाहती है, क्योंकि उसे अपने रिश्ते से ज्यादा अपने पेशे से मोहब्बत है। चलें। क्या जरूरत थी खाला को दिलावर को कुछ खिलाने की? तुम क्यों रो रही हो? हौसला रखो, दिलावर को डॉक्टर के पास ले गए, वो जल्द ठीक हो जाएगा। रीबा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, कुछ नहीं होगा। शुक्र करें आप लोग थोड़ा वक्त पे आ गए हैं, अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो बहुत मसला हो जाता है। नवाला बच्चे के सांस की नाली में अटक गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ। खुद को इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा, आप इसे थोड़ा सा नरम गिजाएं खिलाएं, इसका ख्याल करें। माना कि बच्चा 6 माह से बड़ा हो गया है, इसे अब गिजा की ज़रूरत है, लेकिन इतनी हैवी गिजा की नहीं, ठोस गिजाएं खिलाएं इसे, थोड़े अच्छे ख्याल करें इसे। तो डॉक्टर तुम बताओ फिर इसको क्या दे? आप इसे दाल चावल की हल्की सी खिचड़ी खिला सकती हैं, अंडा बॉईल करके मैश करके खिला दें, हल्का फुल्का सा आलू बॉईल करके खिला लें, केला भी कुचल के खिला सकती हैं। खाला मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुन्ने को हल्की गिजाएं खिलाना शुरू कीजिएगा। आप इसे देसी घी में बने हुए हलवे और फ्राई किया हुआ पराठा और रोटी का टुकड़ा तो मत खिलाएं। इस तरह की गजा तो हम बड़ों से हजम नहीं होती, ये छोटा सा बच्चा कैसे हजम करेगा उसे? बस डॉक्टर हम ख्याल करेगा, ऐसा कोई चीज भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ख्याल करें, आप खुद भी ख्याल करें। माँ के दूध के अलावा इसको थोड़ी ठोस गजाएं खिलाएं, दलिया हो जिसमें, तो आप इसकी खुराक का बहुत ख्याल करें, आपको खुद ख्याल करना चाहिए। आप लोगों ने कुछ और पूछना है डॉक्टर साहिबा से तो पूछ लें। ये बहुत रोता है, रात को सोता ही नहीं है, कोई शरबत दो इसके लिए। रोने का क्या शरबत होगा, बच्चे तो रोते ही हैं। अब आपका पोता हमारी जिंदगी की उम्मीद है, बस वो आपसे गुजारिश कर रही थी। बोलो बच्चा। मेरे जाने के बाद बच्चे का, खासकर शाजिया का बहुत ख्याल रखना। आपको पता है अपने खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है। तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। इजाजत है, दुआ दे। मेरा बच्चा, तुम्हारे साथ वादा किया था तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ,
कोशिश करूंगी ऐसा गलती हमसे नहीं हो। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों है? कुछ नहीं हुआ है। बताना क्या हुआ है? वो मेरे रिश्ते की बात खराब हो गई है। ये कैसे हुआ? जब दिलावर की तबीयत खराब हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई उन्हें छोड़कर, तो ऐसा क्यों किया तुमने? देखो शाजिया, ये तो मेरा फर्ज है, रिश्ते तो आते जाते रहेंगे, जिंदगी तो नहीं आती। खैर छोड़ो तुम इन बातों को, ये बताओ दिलावर कैसे? अल्लाह का शुक्र है अब वो बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम आई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? अल्लाह का शुक्र आई, आप कैसी हो, कैसी तबीयत है? शुक्र है खुदा का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में आपने दोनों का बहुत ख्याल रखा है। क्यों ख्याल नहीं रखेगा इनका, हमारा मुस्तकबिल जो है। मेरी आई, चलो चलो घर में, चल 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 चल। इतनी प्यारी चूड़ियां पसंद आई? बहुत ज्यादा। और तुम मुझे पसंद है, वो भी बहुत ज्यादा। क्या पता है, तुम पहले से और ज्यादा प्यारी और सेहतमंद हो गई हो, और हमारा बच्चा भी। अम्मा ने और अरीबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो बहुत अच्छी बात है, वो देखो ना, कहते हैं कि माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहत। लेकिन मुझे एक बात का दुख है नादिर। किस बात का? मेरी वजह से अरीबा का रिश्ता सरिया भाई के साथ तय नहीं हो सका। उसने हमारे बच्चे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, नहीं तो वो आज सरिया भाई की बीवी होती। बड़ी खुशी हुई जी आप तशरीफ लाए। बस जी, मैं काफी अरसे से सोच रहा था आपके पास आने का, बट ऐसी मसरूफियत की वजह से थोड़ी सी ताखीर हो गई। आने वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के हर काम में खैर होती है, इसमें कोई शक नहीं। भाई जान, शुक्रिया। अरीबा कहाँ है? अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खुश हूँ और मुतमईन भी। मैं आपसे माफ़ी चाहता था। किस जुर्म की? वो पिछली दफ़ा अपनी वालदा के कहने पे मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वालदा को दोबारा भेजूँ। मुबारक। खैर मुबारक। आए प्लीज, तशरीफ रखिए, चाय ले।